वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए अपडेट, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में जो परिचालक होता है दोस्तों, पद पर बम्पर भर्ती है, ये ऐसा लिखा है उसमें, समझना। टोटल कितने पदों पर वो भी मैं बताने वाला हूँ, कहाँ कितने पदों पर वो भी मैं बताने वाला हूँ, और उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सारी अपडेट किसी भी भर्ती की यहीं पर मिलेगी, सबसे तेज सबसे सटीक। चलते हैं आगे, ठीक है। इटावा में 78 है, गोरखपुर में 406 पोस्ट हैं, झांसी में 175 है। यहाँ पर देखते रहिएगा भाई साहब आप हमारे साथ, है ना। ये 173, 95 नोएडा, अलीगढ़, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज 265, सहारनपुर 360, हरदोई, बांदा, लखनऊ। ये देखिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, जो कोई इंटरेस्टेड हो तो वो पहले क्वालिफिकेशन अभी बताता हूँ, है ना। मुरादाबाद 436, ये कानपुर में 191 है, गाजियाबाद 80 और मेरठ में 241। योग्यता देखिएगा कितनी टेढ़ी रख दी है, इंटरमीडिएट तथा ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र मांग दिया है। ट्रिपल सी की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, एकदम से वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिया यहाँ पर। तो इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र दोस्तों मांग दिया गया। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के आयु के लोग भर सकते हैं और ये पूर्ण सरकारी नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ इस बात को बहुत अच्छे से सुन लो, जिन लोगों को ना पता हो समझना क्या किस हिसाब से मिलेगा। 1.59 किलोमीटर माह में न्यूनतम 5 किलोमीटर पर ₹12,500 लगभग, किलोमीटर बढ़ने पर वेतन भी अधिक होगा। होता क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, जितने किलोमीटर आप चलाओगे उस हिसाब से वेतन बनता है। सभी भर्तियां यहां पर देखिएगा, सभी भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा 1.59 रुपये पर किलोमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम 5 किलोमीटर अगर आप चला ले जाओगे तो आपका वेतन दोस्तों बनता है 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। और अगर आप इससे ज्यादा चलाते हैं, ये सब ऑपरेट होता है जब जहां बस स्टॉप होता है, जहां से आप अगर मतलब जैसे मैं अभी कानपुर में रहता हूँ, कानपुर से आप अगर बिधुना जाना चाहे, कई जगह जाती है, रूरा जाए, ठीक है, तो वो किलोमीटर डिस्टेंस जितना आप कवर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहां पर चढ़ता है, सब उसी हिसाब से मिलेगा। फिर भी मतलब ये जो भर्तियां होंगी सेवा योजन पोर्टल से होंगी, ठीक है, पूर्ण सरकारी नहीं, प्राइवेट ही है, लेकिन इस ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो ये है पूरा ब्यौरा जिसको इंटरेस्ट। हाँ, टोटल पद 4,006 पदों पर वैकेंसी, आपने थंबनेल पर भी देखा हो। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं।